हेलो जी, अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम गए थे लेट नाइट शॉपिंग के लिए और उस वक्त मॉल कम्प्लीटली बंद हो चुका था, तो हम वापस आ गए थे। बट आज फिर से हमने फैसला किया और हम चले गए थे। तो इसी के साथ हम करते हैं जो अपने आज के सफ़र का आगाज। आज फ्राइडे था तो ऑफिस से आधी छुट्टी मिलने पर हम चले गए थे नेक्स्ट। दुबई में सबसे बड़ा इशू है जी पार्किंग ना मिलने का, तो हमने भी आज कुछ ऐसा ही फेस किया था। यहाँ पहुँचने पर जब हम अंदर एंटर हुए तो हमें पता चला था कि आज फ्राइडे की वजह से काफ़ी सारी हॉट सेल्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से पूरी पार्किंग फुल थी। 15 मिनट ढूंढने के बाद आखिरकार हमें एक पार्किंग मिली। हम पहुँचे जिसके फर्स्ट फ्लोर पर और अपनी पिछली नाकामी का बदला लेने के लिए आज भरपूर हमने कोशिश की कि जितना हो सके इसको लूट लिया जाए। चलिए जी, हम शुरू करते हैं अपनी शॉपिंग का, क्योंकि मुझे इसके बाद वापस ऑफिस भी जाना था। तो जी, मुझे इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही थी वो ये थी कि यहाँ पर बहुत सारी कलेक्शन थी पाकिस्तानी और इंडियन कपड़ों की, जिसमें कुर्ता था, फ्रॉक्स था, स्कर्ट्स थे और भी बहुत सारी कलेक्शन थी यहाँ पर। एंड सीरियसली आज बहुत अच्छी प्राइजेस थी यहाँ पर, सो हमने आज काफ़ी कुछ ले लिया था। और फिर उसके बाद आगे सेक्शन पर जाकर मैंने लिया था अपने लिए एक बैग। फिर मुझे नज़र आई थी लड़कियों की कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें। एक बार इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा तो एकदम से दिल करता है कि मैं सारा कुछ ही बाय कर लूँ। ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आपके साथ भी होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लेडीज़ को चीज़ें खरीदना बहुत अच्छा लगता है, फिर वो चाहे घर की चीज़ें हों, अपनी पर्सनल केयर हो या फिर बर्तन हो। हम अपना आधा सामान तो गाड़ी में रख चुके थे, बट अब थी बाकी के सामान को लेके जाने की बारी। और सच बताऊँ तो शॉपिंग के बाद बैग को गाड़ी तक उठाकर लेके जाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल पे करने के बाद हम जा रहे थे वापस अपने ऑफिस की तरफ, क्योंकि ऑफिस पहुँच कर मुझे करना था कुछ काम। सो ये था मेरा आज का दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।